कल हमें दोपहर में अर्ली मॉर्निंग इनफैक्ट डायल वन वन टू से एक इंफॉर्मेशन आई कि खालसा कॉलेज अबूहर के बाहर तीस चालीस लड़के इकट्ठे हो गए उनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और एक फ़ायर इंसिडेंट भी रिपोर्ट हुआ था सो आर टीम्स रश टू द स्पॉट इमीडिएटली इन लेस देन टू टू थ्री मिनट्स आर रिस्पॉन्स वॉज देयर द लोकल डी एस पी अरुण मुंडन ही वॉज ऑल्सो देयर अलॉन्ग विद हिज टीम और इमीडिएटली वहाँ एस एच ओज एंड ऑल पहुँच के उन्होंने वहाँ क्राउड को डिस्पर्स किया और जो एक्चुअल पर्प रेटर्स थे जो कि मोटरसाइकिल्स पे वहाँ से फिर इंसिडेंट करने के बाद भाग रहे थे उनके पीछे एक हॉट चेज करते हुए फॉर मोर देन थर्टी किलोमीटर्स उनको राउंड अप किया गया उनका जो बाइक है वो भी रिकवर हुआ और उसके अलावा जो है जो वेपन ऑफ ऑफेंस था उसको भी रिकवर किया गया इन लेस देन वन आवर इसके पीछे अगर हम बात करें तो मकसद क्या था क्या कारण क्या बना कि वहाँ पर गुटबाजी हुई और झगड़ा हुआ वन ऑफ द ग्रुप्स हैड कम देयर टू पुट पोस्टर्स एक इन्होंने एक इनफॉर्मल जहाँ ग्रुप बनाया हुआ है कि जिने भी कॉलेज इतने हैं गेद एक एपरेंटली uh, प्रधानगी कोई इशू सी सो वन ऑफ द ग्रुप्स वॉन्टिड टू पुट पोस्टर्स आउटसाइड द कॉलेज और दे प्रोटेस्ट जो दूसरा ग्रुप उत्तर आ गया लैट मी कलैरीफाई एद भी एक सेंकशन नहीं है फ्रॉम द कॉलेज और ये जड़ा भी इंसीडेंट कॉलेज तो बाहर होया उसके गेट तो बाहर होया मेन रोड से होया तो पुलिस का जड़ा एक स्विफ्ट रिसपोंस थी ਉਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ ਜੋ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਗ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਇ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ 307 भी एच लगी हुई है और जड़ा एक अक्यूज है हरीश वो पिछले साल राजस्थान पुलिस ने भी उन्होंने अरेस्ट किया एक प्रॉपर्टी डीलर से जड़ा है वॉज ऑलसो शॉर्ट एट इन द लेग बाय राजस्थान पुलिस कहा जा रहा है कि पुलिस मुलाजमों के ऊपर उपरजी चोट आई है जी यस देखिए तीस किलोमीटर के आसपास चेज हुआ उसके बाद कुछ ड्यूरेशन पहले इन्होंने अपनी बाइक छोड़ के पैदल दौड़ने लगे गांव में तो उसमें जब हमारे मुलाजिम इनके पीछे भाग रहे थे तो ये खुद भी गिरे हमारे मुलाजिम्स को भी इसमें किलोमीटर लॉन्ग चेस थी और जब बंदा मोटरसाइकिल तो डिगदा है मोटरसाइकिल गिर दी है फिर आप पचदे हैं तो दोवा पैसे चोट आई है की बड़ा मतलब की किसी बड़े गैंग से कनेक्शन जुड़ रहा है जिन लोगों का तो वो कौन सा गैंग है और कैसे ये we would not rule out anything at this point of time but yes piche kuch tar judde paye hain jadon vi appa onu confirm kar langge we'll let you know inse bramhad kya kya hoye ek jada illegal weapon inna kolo si which was used for firing oh bramhad hoya jadi talwara inna ne use kittiyan hengiyan danga jadiyan use kiti si te jadi motorcycle vich de used to flee kinne round jade fire kite char round fire hoye ji te eh hathyar aaya kittho si ga kittho khareedya si ga eh kittho leke aaye wo verify karde paye ji but yes it has come from outside the state of punjab ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤਦੀਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਨਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਲੇਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ આરોપીਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ